हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो ब्लिजर्ड होता है या फिर कह लीजिए कि एक हिम झंझा जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए, एक छोटी सी मुझे एक मिनट की सूचना देनी है आप लोगों को। कई लोगों ने देखिए जो आंसर राइटिंग कोर्स है उसको ज्वाइन किया है, लेकिन अभी वो लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड नहीं हो पाए हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में या तो मुझको हेलो भेजिए या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे हेलो भेजिए, जिसकी जिससे मैं आपको जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें ऐड कर सकूं। और देखिए, जिन लोगों को पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट कर रहे हैं, तो वो मुझे टेलीग्राम पे हेलो भेज दें, मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। तो आज का हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अब देखिए, ब्लिजर्ड क्या होता है, इसको हम लोग पहले पूरा समझेंगे। तो देखिए, ब्लिजर्ड एक तरह से बहुत तेज़ चलने वाली एक हवा हो गई जो कि ठंडी होती है, यानी कि हिमझंझा इसका नाम ही है तो ठंडी होगी। तो 45 एमपीएच या फिर कह लीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 माइल पर आवर या 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये जो ब्लिजर्ड है या फिर कह लीजिए ये जो हिमझंझा है ये बहती है। एक तरह की बहुत तेज़ हवा होती है जो बहुत तेज़ी से बह रही है। और देखिए, इसमें क्या होता है, हिमझंझा नाम है यानी कि बर्फ़ रहती है, स्नो फ्लेक्स रहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं बर्फ़, जो हम लोग कहते हैं बर्फ़बारी हो गई। तो जब ये बर्फ़ रहती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो विजिबिलिटी है लगभग जीरो हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, यानी आपको आगे का कुछ नहीं दिखाई देगा। और जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -12 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ये कुछ हिमझंझा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखिए, ये हिमझंझा बनता कैसे है, तो देखिए जो अलग अलग जगह हैं यानी कि अलग अलग वर्ल्ड में प्लेस हैं, उन सभी कई सारी जगहों पे मतलब ये हिमझंझा या ब्लिजर्ड बनता है। लेकिन यहाँ पे केवल हम लोग अमेरिका में कैसे बनता है उसको समझ लेंगे, और उसकी मदद से फिर हम लोग हर जगह को समझ जाएंगे, यानी कि हर जगह पे प्रोसेस लगभग सेम रहता है। इसके साथ ही देखिए, ये जो सामने आपके टेक्स्ट है वो इंग्लिश में है, लेकिन जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर आपको इसका हिंदी टेक्स्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब हिमझंझा के बारे में। तो देखिए क्या होता है कि प्रशांत महासागर से आने वाली ठंडी और जो नम वायु होती है यानी कि कोल्ड और ह्यूमिड एयर जो होती है, जो कि कहाँ से आ रही है, पैसिफिक ओशियन से आ रही है, और किस तरफ जा रही है, जो हमारा रॉकी पर्वत है और उधर साइड के जो मैदान हैं वहाँ पर जा रही है। तो प्रशांत महासागर से आने वाली हवा है, पैसिफिक ओशियन से आने वाली, जो कि ह्यूमिड है और कैसी है, कोल्ड है यानी कि ठंडी है, ये जाती है राकी पर्वत और मैदानों की तरफ। और वहीं पे देखिए दूसरी तरफ क्या है, मैक्सिको की खाड़ी या गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। तो जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है वहाँ से गर्म और नम वायु, गर्म और नम यानी कि हॉट और ह्यूमिड एयर जो है वो चलती है। अब देखिए, ये जो प्रशांत महासागर से आने वाली ठंडी हवा है और जो मैक्सिको की खाड़ी से होकर आने वाली गर्म हवा है, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ब्लिजर्ड या हिमझंझा का निर्माण होता है। अब देखिए, इनके मिलने से क्यों ब्लिजर्ड या हिमझंझा का निर्माण होता है, एक्चुअली ये हम लोग फ्रंट्स या फिर जब हम लोग कह लीजिए कि जिसे वाताग्र कहते हैं, जब वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी देखिए समझ लेते हैं कि इनके मिलने पर क्या होता है। फ्रंट जब बनता है यानी कि जब गर्म वायु ये जो है ठंडी वायु से मिलती है, तो क्या होता है, गर्म वायु जो है वो ठंडी वायु के ऊपर चढ़ने लगती है, यानी कि इसका आरोहण होने लगता है, एक तरह से एयर जो है उसका असेंडिंग होने लगता है, ऊपर जाने लगती है। तो जब गर्म वायु ऊपर जाएगी तो क्या होगा, बादल बन जाएंगे और वातावरण में क्या होता है, विक्षोभ या टर्बुलेंस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो टर्बुलेंस या विक्षोभ, इसे भी अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब टर्बुलेंस बन जाता है तो एक तरह से टर्बुलेंस का मतलब है बहुत तेज़ी से हवाएं चलने लगती हैं, और ये जो गर्म वायु ऊपर गई है इसमें क्या था, भाप थी यानी कि नमी थी। तो जो नमी थी इसके अंदर, ह्यूमिडिटी थी इसके अंदर, वो क्या करेगी, ऊपर जाके बादलों में बदल जाएगी। अच्छा, जब बादल जो हैं लगातार बनते जाएंगे और थिक हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, तो क्या होगा कि वर्षा स्टार्ट हो जाएगी यानी कि रेन होने लगेगी। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है तो जो रेन है वो किस में बदल जाएगी, बर्फ़ के क्रिस्टल में यानी हिम क्रिस्टल में बदल जाएगी, एक तरह से जो स्नो क्रिस्टल होते हैं उसमें बदल जाएगी। और ये जब क्रिस्टल आपस में मिलेंगे तो स्नो फ्लेक्स का निर्माण हो जाएगा, यानी कि एक तरह से जिसे हम लोग कहते हैं कि हिमपात होना, वो होने लगेगा। और नीचे बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है कि वायु भी चल रही है, क्योंकि विक्षोभ या टर्बुलेंस बन गया है फ्रंट के मिलने, फ्रंट का निर्माण होने से। तो इस तरह से एक तूफान जैसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे हवा बहुत तेज़ी से चल रही होती है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और बर्फ़ के कारण से विजिबिलिटी नहीं होती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हिमझंझा।
कनाडा की जो हुडसन खाड़ी है, तो हुडसन गल्फ कह लीजिए कनाडा की, वहाँ से जो दक्षिण पूर्व कनाडा का हिस्सा यानी कि कनाडा का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, साउथ ईस्ट का हिस्सा है जो कनाडा का, उस दिशा में वायु आती है। कहाँ से? देखिए कनाडा की हुडसन खाड़ी से दक्षिण पूर्व कनाडा की ओर वायु आ रही होती है, और ये किससे टकराती है? जो मैक्सिको की खाड़ी से हवा आ रही है यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से आने वाली हवा से ये वायु टकराती है। और जब ये वायु दोनों टकराती हैं यानी कि जो कनाडा की हुडसन खाड़ी से ये हवा आ रही थी और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिको से हवा आ रही थी, जब ये आपस में टकराती हैं या कह लीजिए मिलती हैं, तो फिर से वही होता है, विक्षोभ बनता है, हवाएं तेज चलने लगती हैं, जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, टेम्परेचर क्योंकि बहुत कम है तो इस वजह से क्या होता है कि जो वर्षा है वो बर्फ़ के रूप में बदल जाती है और एक तरह से कह लीजिए हिमपात होने लगता है, या जिसे हम लोग कहते हैं स्नोफॉल, उस टाइप की चीज़ होने लगती है। अच्छा, अब इसके लिए देखिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि ये ब्लिज़र्ड बनने के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली चीज़ है कि कोल्ड एयर या ठंडी वायु का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखिए वायु गर्म होगी, अगर हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो वायु भी गर्म होगी, अगर वायु गर्म होगी तो वो क्या करेगी, यानी कि एटमॉस्फेयर कह लेते हैं, अगर एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो वो एटमॉस्फेयर क्या करेगा कि जो हमारी ये रेन हो रही है, जो स्नो हो फॉल हो रहा है, वो जब तक नीचे आएगा इसको वापस से पिघला देगा, यानी कि जो बर्फ़ है हमारी वो पानी में बदल जाएगी, तो ब्लिज़र्ड नहीं आ पाएगा। इसी तरह से नमी होना चाहिए, यानी कि जो वायु है वो किसी जल स्रोत से होके आ रही हो, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जो भी वायु हम लोगों ने देखी वो कहीं ना कहीं किसी वाटर सोर्स के ऊपर से आ रही है, जिसकी वजह से उसमें ह्यूमिडिटी होती है, जब ह्यूमिडिटी होगी तभी वो वायु जो है ऊपर जाके बादल बना पाएगी। और इसी के साथ ही जो वार्म एयर है यानी कि जो गर्म हवा है उसको जो हमारी ठंडी हवा है उसके ऊपर राइज करना होगा, यानी कि जो वार्म एयर है इसको वार्म एयर मस्ट राइज ओवर कोल्ड एयर, यानी कि जो गर्म हवा है वो ऐसा आवश्यक है कि ठंडी हवा के ऊपर ज़रूर चढ़े, तभी जो ब्लिज़र्ड है उसका निर्माण हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इस स्लाइड में अलग अलग जगहों पे इन ये जो हिमझंझा है या ब्लिज़र्ड है इसको क्या कहा जाता है उसके नाम दिए हैं, जैसे कि रशिया में पुर्गा कहा जाता है, साउथ फ्रांस में बाइस कहा जाता है, साउथ स्पेन में लेवांटर कहा जाता है, जो आपका अर्जेंटीना के पंपास मैदान होते हैं, जो अर्जेंटीना का पंपास का एरिया है वहाँ पे इसे पैम्पेरो कहा जाता है, साउथ मैक्सिको में इसको इसका नाम बड़ा ही कठिन है प्रोनंसिएशन करना, फिर भी ये कुछ टिहाने टी पीसर करके कहा जाता है, और ये देखिए फ्राइजेम कहा जाता है ब्राज़ील के अमेजोन में, यानी कि ब्राज़ील का जो अमेजोन और कंपोज का एरिया है वहाँ पे जो इस तरह की हिमझंझा आती है उसे फ्राइजेम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका हिमझंझा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है।